हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है, आज हम लोग फिर से कहीं के लिए तैयार हो चुके हैं। तो दिखाते कौन कौन जा रहा है। सबसे पहले यही तैयार होती है। ये तैयार है, इधर देखो ये कल्लू राम, इधर हमारे मामा जी तैयार हैं। और एक लोग अभी वॉशरूम में है। तो अभी आप लोगों से थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं। थोड़ा तैयार हो जाए ना, क्योंकि हो रहा है लेट। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं दर्शन के लिए। मैं हो चुकी हूँ रेडी, बस निकलने वाले हैं हम लोग। मामी, ओ मामी, कहाँ करे लागे भाई ये देखियो। बैटरी दिक्कत, हवा कम है। अम्मा नमस्ते, नमस्ते। बस हम लोग जा रहे हैं, हर हर महादेव, जय माता दी। चलो भाई चला जाए। हम लोग बाबा के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। जब वहां पहुंचेंगे, जब आप लोग पूरा वीडियो वॉच करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि मैं कौन से बाबा के दर्शन के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पे है, हम लोग देखिए पता करते क्या है नजरी। भैया नहीं नहीं रहा ना। ए मम्मी, लोगों को बुलाए रहा तुमको। तो हम लोगों ने खमरिया ले ली है बाबा पे चढ़ाने के लिए। यहाँ पे खमरिया चढ़ती है आस्तिक बाबा में। लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो आप यही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होगी, क्योंकि जब यहीं से सारी चीज़ें रोक दी गई हैं, यहीं पे सब कुछ खड़ा हुआ है। तो बस अभी हम लोग उतर चुके हैं और गौरव लोग वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने जा रहे हैं। वो लोग गाड़ी खड़ी करके आते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तब तक हम लोग सोच रहे हैं एक दो रील बना लेते हैं बाबा के धाम में खमरिया चढ़ाने के लिए। चलो अबे, ये जगह खड़ा रहा जाने, तो ये सब ढूंढू ना पाई है। तो अभी हम लोग यहीं जाके खड़े रहेंगे, क्योंकि पता नहीं अभी हम लोग आगे निकल जाए तो गौरव और मामा हम लोगों को ढूंढ पाए कि ना ढूंढ पाए, इसलिए हम लोग यहीं पे खड़े होते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मैं ही ब्लॉग बनाती हूँ और मेरा खुद का ही वीडियो नहीं आता, तो मैंने कहा मामी थोड़ा मेरा भी पकड़ लो, तो मेरा भी वीडियो आ जाए इसमें,
हाँ भैया हम ही हैं जो ब्लॉग बनाते हैं। और अब हम लोग मंदिर की ओर बढ़ चुके हैं, तो आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा श्रद्धा है सबकी कि सब लोग यहाँ पे पैदल ही वहाँ से आते हैं। कोई कोई तो बिना चप्पल के भी आता है बाबा के दर्शन के लिए। और आप लोग देखिए बढ़िया अच्छा खासा मेला भी लगा हुआ है। तो अगर आप लोगों को आना हो तो आप लोग भी आ सकते हैं दर्शन के लिए, बहुत मान्यताएँ हैं यहाँ की और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये आस्तिक बाबा। और हम लोगों ने तो ऐसा भी सुना है कि जब कभी कोई सांप वाप काटता है तो अगर आप कहीं नहीं ले जाते हैं, यहीं पे अगर लाते हैं बाबा के दर्शन करवा देते हैं, तो मैंने सुना है, मैं एकदम एग्जैक्ट ये नहीं कह सकती हूँ हाँ ये सच्ची है, पर मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे बाबा के पास ले आओ तो एकदम सही हो जाता है। और आप लोग देखिए इसीलिए ये मंदिर बहुत ज़्यादा विख्यात है क्योंकि ऐसा होता है यहाँ पे, और अगर होता ना तो सब लोग इतना ज़्यादा क्यों आते। और आप लोग भीड़ तो देखिए, और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इस मेले में ना मिले। तो आप सभी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कितनी और लंबी भीड़ लगी, मतलब लाइन लगी हुई है। सोचो अभी तो हम लोग बस जा ही रहे हैं तो कितना समय लगने वाला है हम लोगों को बाबा के दर्शन के लिए। दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके हैं, बस हम लोग वापस जा रहे हैं और भीड़ तो आप देख सकते हैं बहुत। सूचना केंद्र पर आ जाए। चलो भैया और सब मंदिर चलियो, नहीं हम ना जाइयो, चलो आगे पानी पिए। तो अभी देखिए ये जो आगे का बना हुआ है, अभी ये जल्दी में बना हुआ है और वैसे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद, थोड़ा सुकून मिल रहा है मुझे तो भैया। और आप लोग भी आना चाहें तो जरूर ज़रूर आ सकते हैं। और ये राम मंदिर जो मेन मंदिर है यही है। और बस हम लोग अब वापस घर के लिए निकल लिए हैं, और मैं सोच रही थी थोड़ा सा बना लूँ वीडियो, मतलब ब्लॉग बना लेती हूँ यहाँ का, पर सब लोग गायब हो गए तो मैंने सोचा भैया चलते नहीं तो हम तो और ही गायब हो जाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे जो जयकारे लग रहे थे बाबा के नाम के, अगर आप लोग भी हो ना तो एकदम मगन हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग मामा और मामी के मजे ले रहे थे कि मामा जो दोनों लोगों में जो जिससे प्यार करता होगा तो यहाँ पे टैटू बनवाएगा, लेकिन धोखे दोनों लोग भाग लिए, दोनों लोगों ने टैटू नहीं बनवाया। और फिर मैंने भगवान जी से बोला, फिर से हम लोगों को बुलाइए और हम लोग निकल लिए। और अब सबको लग चुकी है बहुत ज़्यादा भूख, तो बस कुछ खाने का प्लान हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा चलो कुछ ले लेते हैं यहाँ से, इतनी दूर आए तो कुछ पहन। तो मैंने हाथ में पहनने के लिए ये लिया हुआ है, इसी से सब लोग लेगा मतलब पहन लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और फिर से वापस हम लोग निकल लिए हैं यहाँ से। तो अभी यहाँ सब कुछ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी कुछ ना खाया जाए, जो भी सामान लेना है ले लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ खाने के लिए। और बस अब मामी को देख लो जरा, सूठी पसंद करने लगी यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे निशान के लिए चश्मा लेने लिए, तो चश्मा मतलब जो है खरीद रहे हैं। और ये क्या, मामा ने काले घोड़े का अंगूठी ले ली है, उसकी जो बोलते नहीं है जो उसके कीला लगाया जाता है पैर में,
और ईशान को ये पसंद आया, ये तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और ईशान ने इसको भी ख़रीदा। और चश्मा तो ज़रा देखो इनकी, चश्मा बढ़िया खुश हो गया। और फिर से हम लोग पास गाड़ी के पास पहुंचने वाले हैं और गाड़ी मिल जाए उसके बाद हम लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। ये देखो ये लड़का जो है जब बैठता है तो पूरी गाड़ी को ऐंठ देता है। हम लोग आगे जा रहे थे और मामी लोग पीछे थी। हम लोगों की हवाई हमारी ठंडो जो है चल रही है। ऐसा नहीं अच्छा लगता है, कदम घूमने में जाओ। कभी गाड़ी पे इंसान, कभी इंसान पे गाड़ी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतनी श्रद्धा है लोगों में कि सभी लोग पैदल 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 सभी जा रहे हैं। भीड़ बहुत हुई। शांत इधर ही रहो, उधर गंदा पानी है। हाँ बोलो मामा, बोलो बोलो बताओ। यही रात में तो यही मिलो ही रही है। अरे मामी का ज्यादा है ये का। गौरव चालू कहो गे गौरव, आज हम अपने मनपसंद वाली चाय की दुकान से इनका सबको चाय पिलाई रही है। चाय पीने के बाद बताना भी। मामी ठीक नहीं इनका कुछ रिप्लाई दे दे। चाय पत्ती बहुत ज़्यादा डाल दी गई। चाय पीने के बाद अपने अपने घर के लिए निकल चुके हैं और अब हम लोग कहीं नहीं रुकेंगे, बस हम सब्जी लेंगे।
भीगते भीगते आ रहे थे। आराम से हर बार बारिश होते ये दिन, नाग पंचमी है ना, आज नाग पंचमी है, कल है ना। तो आप सभी देख सकते हैं कितनी ज्यादा बारिश हो रही है और हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। गौरव कहाँ चले गए? गौरव कहाँ थे? रुको, खाए क्या आई थे? मतलब एक तो मिनट भी तो नहीं रह सकते। भागते भागते किसी तरह घर पहुंच चुके हैं और सभी को आप देख सकते हैं, हम लोग घर पहुंच चुके हैं फाइनली। है मेरा लुक देख सकते हैं आप लोग, क्या हाल हुआ हम लोगों का। पर कोई नहीं, भगवान के दर्शन अच्छे से हो गए हम लोगों के। बैठ लियो, ईशान दौड़ा तई है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भैया, भीगते पूरा भीग गए। अरुई तुम्हें बरे लावा, तुमका अरुई पसंद है, तुम्हारा धनिया ले आवा। आलू यहीं से मंगाओ, आज बाजार ले आवा आलू। कहां है क्या, कितने भजाई का परजन के नदी पर गए तो आलू हो जाई, तुम्हें लिए अरुई ले आएं। हां नहीं वही ना बराई ना, तो का एक एक गट्टी दे है का रसादार सब्जी बनी, रसादार बने चाहे जो बने, एक कुकर सब्जी बनी बस के। ये कौन खवैया कौन है? मैं तो आरी जावा थी, दुबई ना आवा था, बराई ना आवा था। अच्छा, तो एक देर शांति से बैठे थे ही हो वहाँ, शांति रही? अरे हुआ तो जौन भीड़ रही ना।